गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. हम लोग तरसा मैथमेटिक्स के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस. उसके अंदर हमने क्या कर दिया था, कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी और सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. इस लेक्चर के अंदर भी हम लोग और कुछ प्रॉपर्टी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कस करेंगे. तो नाउ वी स्टार्ट द टॉपिक्स. फर्स्ट हम प्रॉपर्टीज के अंदर डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ द स्केल प्रॉपर्टी. ये प्रॉपर्टी हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ी थी. अब हम लोग किस में पढ़ेंगे, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में. ओके, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी हमें क्या स्टेटमेंट है इसका, वो सब हम लोग पढ़ेंगे. तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. तो इफ द लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, ये तो आप जानते ही है सब कि लाप्लास इनवर्स एफ एस क्या होता है, एफ टी के इक्वल में होता है. तो हम लोग का देन द प्रॉपर्टी क्या होगी, लाप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन ए इज इक्वल टू ए एफ ए टी. और हम लोग इसको एक और फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाप्लास इनवर्स एफ ए एस इज इक्वल टू वन अपॉन ए एफ टी अपॉन ए. तो हम लोग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को क्या दो टाइप से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन ए इज इक्वल टू ए एफ ए टी एंड लाप्लास इनवर्स एस एफ ए एस इज इक्वल टू ए अपॉन वन अपॉन ए एफ टी अपॉन ए. ओके, तो हम लोग इसका प्रूफ समझते हैं. ये हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट. आपको एग्जाम के अंदर जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी है उसका स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, प्रूफ भी पूछ सकते हैं. इसलिए या तो आपको ऐसे फॉर्म में भी दे सकते हैं कि इसको प्रूफ करो, या आपको बोल सकते हैं कि चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखो या प्रूफ करो. तो आपको सारी प्रॉपर्टी के स्टेटमेंट और प्रूफ अच्छे से समझने हैं. तो हम लोग इसका प्रूफ समझते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस, किससे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू, लाप्लास एफ टी इज इक्वल टू एफ एस जीरो टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी. ओके, तो हम लोग इसका इसका ये वाली जो ये वाली है, हम लोग सेकेंड वाले इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एस का है ये, इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एफ ए एस इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनाइट ई की पावर, हमने जब एस को ए से मल्टीप्लाई किया तो इसका रिलेशन किसके साथ है, ई की पावर में रिलेशन होता है. तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस ए एस टी एफ टी डी टी. ओके, फिर नाउ फिर हम लोग क्या करेंगे, ई की पावर माइनस ए एक्स टी एफ टी डी टी. अब हम क्या करेंगे, ए टी इज इक्वल टू, नाउ ए टी इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, एक्स. क्या पुट करेंगे, ए टी इज इक्वल टू हम लोग क्या पुट करेंगे, एक्स. तो क्या हो जाएगा हमारा, ए डी टी इज इक्वल टू डी एक्स. ओके, तो डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाय ए. तो हम लोग क्या कर देंगे, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे. तो लिमिट को मैं चेंजेस नहीं होगा, जीरो टू इन्फिनाइट ए की पावर माइनस एस एक्स एफ एक्स बाय ए डी एक्स बाय ए. तो हम क्या कर देंगे, 1 बाय ए को आगे लिख देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है. तो 1 बाय ए आगे 0 टू इनफाइनाइट ई की पावर माइनस ए एस माइनस एस एक्स एफ एक्स बाय ए डी एक्स. मैंने क्या बोला था, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में अगर हमारा डिफाइन इंटीग्रल होता है तो वो किस में इंटरचेंज हो जाता है, हमारा डिफाइन इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज हो जाएगा. तो एक्स किस में इंटरचेंज हो जाएगा, टी में. तो 1 अपॉन ए 0 टू इनफिनाइटिव ई की पावर माइनस एस टी एफ टी बाई ए डी टी. ओके, तो अब ये देखो, अभी हमारे किसकी वापस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बन गई. तो ये किसका लाप्लास होगा, ये जो हमारा एफ टी होता है उसका लाप्लास होता है. तो ये क्या होगा, एफ टी बाई ए का लाप्लास. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ ए एस इज इक्वल टू 1 बाई ए लाप्लास एफ टी बाई ए. ओके, क्योंकि लाप्लास हो गया टी बाई एस. अगर अपन ओपन अप करेंगे लाप्लास को तो ऐसे होगा, फिर टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स क्या लेंगे हम लोग, बोथ साइड क्या लेंगे, लाप्लास इनवर्स. तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लाप्लास इनवर्स एफ ए एस इज इक्वल टू 1 बाय ए एफ टी बाय ए. ओके, तो हमारे ये प्रूफ हो गया. देखो एक वापस से स्टेटमेंट प्रूफ करते हैं. मैंने सेकंड वाला आपको स्टेटमेंट प्रूफ करना बताया है कि हम लोग ने क्या कर दिया, बाय द डेफिनेशन ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हमने क्या कर दी, डेफिनेशन लिख दी.
लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन लिख ली, फिर एफ एस है इसमें ए से मल्टीप्लाई कर दिया, किसके साथ, एस के साथ, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा यहाँ पे भी क्या होगा, ए के साथ मल्टीप्लाई ये कर दिया, फिर मैंने ए टी को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, फिर हम लोग ने इसका डिफरेंशियल ए डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी इसमें, वैल्यू पुट करने के बाद हमने क्या कर दिया, ये एक हमारा डिपेंडेंट इंटीग्रल है, तो एक्स टेंस टू टी, एक्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया, टी में, फिर हम लोग ने क्या कर दिया आगे इसमें जो वन अपॉन ए बारिक दिया, फिर ये हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन बन गई, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से हमने लाप्लास एफ टी बाई ऐसे लिख सकते हैं, फिर हमने बोथ साइड क्या ले लिया, लाप्लास इनवर्स, तो हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। जो आपको फर्स्ट वाले अगर प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है उसको आपको लिखना पड़ेगा, किसको लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी को, या आप खुद सॉल्व कर प्रूफ करोगे, कुछ नहीं है, सिंपल है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, मतलब ये जो चीज़ है इसको अगर आपको प्रूफ करना हो तो आप क्या करोगे, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी है उसको आप लिखोगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लिखने के बाद आप दोनों तरफ से लाप्लास टेकिंग लाप्लास इनवर्स, तो यहाँ से हमारा जो लाप्लास इनवर्स लेंगे तो वो लाप्लास से लाप्लास इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी, ओके। क्योंकि हमारा क्या होता है, लाप्लास एफ ए टी इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन ए एफ एस बाय ए, तो हम लोग अगर दोनों तरफ से लाप्लास इनवर्स ले लेंगे तो लाप्लास इनवर्स एफ एस अपॉन ए, और ए इसके आगे का था वो हमने यहाँ मल्टीप्लाई में दे दिया, तो एफ ए टी आ जाएगा, ओके। तो ये सिंपल है, तो जो फर्स्ट वाली अगर हम लोग इस ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज स्केल प्रॉपर्टी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाली चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी को हम लोग जिस फॉर्म पे लिख रहे हैं उसको मैंने प्रूफ कर दिया, अगर इस फॉर्म में है तो आप खुद इसको प्रूफ करेंगे, ओके। तो हम इसके बेसिस पे क्या करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, आपको इसके अंदर याद शो अप नहीं हुआ कि भी आपको इसमें लाप्लास ये क्या कहते हैं उसको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है, आपको खुद को आइडिया लगा के सॉल्व करना होगा। इफ द लाप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस वन अपॉन ए एस, इसका क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं अपन, तो हमें लाप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस वन अपॉन एस अंडर रूट एस इज इक्वल टू कॉस टू अंडर रूट टी अपॉन अंडर रूट पाई टी दे रखा है, तो सो दैट लाप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस ए एस अपॉन अंडर रूट एस इज इक्वल टू कॉस टू अंडर रूट ए टी बाय पाई टी। तो अपने को क्या करना है, ये अपने को इसका लाप्लास इनवर्स दे रखा है, अपने को इसका लाप्लास इनवर्स शो करना है। अगर आपको ऐसी प्रॉपर्टी में ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको इसके अंदर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगानी है। कैसे लगाएंगे, देखो हमारा क्या होता है, लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी होता है, तो हम लोग जो फर्स्ट वाला है उसको किसे कंपेयर करें, ये तो अपने को प्रूफ करना है, फर्स्ट वाला तो अपने को गिवन है, तो इसको अगर हम कंपेरिजन करते हैं इससे तो हमारे पास एफ एस क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वन अपॉन एस अंडर रूट एस, और एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कॉस टू अंडर रूट टी अंडर रूट पाई टी, ओके। ये चीज़ आ गई हमारे पास, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये चीज़ हमारे पास आ गई सिंपली, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे अपने क्या चाहिए, a by s, तो हमारी कौन सी, ये वाली प्रॉपर्टी, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, कौन सी, ये फर्स्ट वाली, कैसे लगाएंगे, लाप्लास इनवर्स f s by a इज इक्वल टू ए एफ ए टी, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये एफ एस है ये एफ टी, इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, क्या करेंगे, लाप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस वन अपॉन एस बाई ए अपॉन अंडर रूट एस बाई ए, जहाँ पे एस है वहाँ पे हमें क्या वैल्यू पुट कर दी, एस बाय ए, क्या पुट कर देनी है वैल्यू, एस बाय ए एफ ए टी, इसमें क्या हो जाएगा, कॉस टू अंडर रूट ए टी अपॉन अंडर रूट पाई ए टी, ओके। ये चीज़ हो जाएगी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा हमारा, लाप्लास इनवर्स ई की पावर माइनस एस से अपॉन अंडर रूट एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ए क्या हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई में कर देंगे क्योंकि ऊपर जाएगा ये पे, ऐसे प्रोकल में है तो ऊपर जाएगा ए हो जाएगा, और यहाँ पे कितना, ए कॉस टू अंडर रूट ए टी अपॉन पाई टी इंटू अंडर रूट ए, ओके। तो ये इससे इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, अंडर रूट ए बचेगा, फिर ये भी क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो, क्योंकि अंडर रूट ए इसके
मल्टीप्लाई में जाएगा तो मैंने इसको डायरेक्ट ही कैंसिल आउट कर दिया। तो लाप्लास इनवर्स e की पावर माइनस ए अपॉन एस माइनस e की पावर माइनस एस अपॉन ए अंडर रूट एस इज इक्वल टू कॉस 2 अंडर रूट ए टी अपॉन अंडर रूट पाई टी। तो कितना सिंपल है, देखो ये चीज़ आ गई हमारे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई। तो कैसे किया, देखो मैंने यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इससे कंपेयर कर दिया, तो एफ एस और एफ टी मेरे पास आ गया, एफ एस और एफ टी आ गया। तो मैंने चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का फर्स्ट फॉर्म था इसको हमने यहाँ पे यूज़ किया इसका, क्योंकि हमें क्या चाहिए ए अपॉन एस में कब आएगा, जब अपन हम लोग यहाँ पे एस अपॉन ए होगा तो अब ये एस अपॉन ए आएगा, तब मैंने क्या कर दिया इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया। यूज़ करके मैंने ये सब वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दी इसके अंदर और इसके अंदर एफ टी की एफ ए टी कर दिया और एफ एस बाय ए कर दिया, जहाँ एस था वहाँ एस बाय ए कर दिया, जहाँ टी था वहाँ ए टी कर दिया। फिर मैंने इसको सॉल्व कर दिया, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल आउट कर दिया, फिर इसको मैंने ऐसे सॉल्व कर दिया। तो आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सेकेंड वाली टर्म है, इसका यूज करके हम एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये हमारा, इफ द लाप्लास इनवर्स, सेकेंड क्वेश्चन, इफ द लाप्लास इनवर्स एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी कॉस टी, ओके, शो दैट लाप्लास इनवर्स 9s स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन 9s स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाय 9 कॉस टी बाय 3, ओके। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि लाप्लास इनवर्स हमें इसका क्या करना है, लाप्लास इनवर्स फाइंड करना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाप्लास इनवर्स एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी कॉस थीटा। तो आपको ये देखा तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लगेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एफ एस और एफ टी निकालना होगा। तो एफ एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एंड एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, टी कॉस टी, ओके। वापस चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ओके, क्या होगी ये वाली, लाप्लास इनवर्स एफ ए एस इज इक्वल टू वन अपॉन ए एफ ए टी एफ टी बाय ए। क्यों ये यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये ए एस स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमें मतलब यहाँ पे जो एफ एस चाहिए वो एफ ए एस फॉर्म में चाहिए, वहाँ पे ए बाय एस था इस कारण से हमने फर्स्ट वाला यूज किया, यहाँ पे हमें क्या चाहिए ए एस टर्म में चाहिए, तो इसलिए हमने कौन सा एफ ए एस वाली ये वाली लगाई फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे लाप्लास इनवर्स इधर लिखेंगे ए स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू वन बाय ए इंटू टी बाय ए कॉस टी बाय ए। देखो वन बाय ए तो रहेगा, ये एफ पूरा एफ टी बाय ए, तो टी को भी क्या लिखेंगे टी बाय ए के टर्म्स में। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, ए इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए 9 चाहिए, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए 9। तो ए इज इक्वल टू अगर हम इसे कंपेयर करेंगे यहाँ से इसको और इसको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल में है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या करेंगे 3 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें इसी टर्म में इसका आंसर चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ए इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो 9s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय 3 डॉट 3 टी बाय 3 कॉस टी बाय 3। तो क्या हो जाएगा लाप्लास इनवर्स 9s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 9s स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाय 9 कॉस टी बाय 3, ओके। तो हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, ओके। तो हमने क्या कर दिया, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। अब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर ही लाप्लास इनवर्स इनवर्स लाप्लास में डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, ओके,
डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इफ द लाप्लास इनवर्स क्या होगा, इफ द लाप्लास इनवर्स, इफ द लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी ए, ओके। तो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में होगा लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस इज इक्वल टू माइनस टी एफ टी। देन डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट और ये क्या है हमारा, देखो ध्यान से वापस से कि डेरिवेटिव प्रॉपर्टी में इफ द लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी है, देन द लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस इज इक्वल टू माइनस टी एफ टी आएगा। मतलब हमारा जो डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ये डेरिवेटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस इज इक्वल टू टी एफ टी होगा। तो ये हमारा क्या होगा, इसका स्टेटमेंट। हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस इज इक्वल टू माइनस टी लाप्लास इनवर्स एफ एस, क्योंकि एफ टी किसके इक्वल में होता है, लाप्लास इनवर्स एफ एस के इक्वल में। तो हम इसको क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ समझते हैं। क्या समझेंगे हम लोग इसका प्रूफ, प्रूफ के लिए हम लोग इसके अंदर क्या यूज करेंगे, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में हमारी जो मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी थी उसका करेंगे, यूजिंग बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। इसका स्टेटमेंट क्या था, लाप्लास टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एस, ये था क्या स्टेटमेंट था मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी का, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में लाप्लास टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ डैश एस, ठीक है। टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, टेकिंग बोथ साइड क्या, लाप्लास इनवर्स, तो लाप्लास लाप्लास इनवर्स टी एफ टी इज इक्वल टू माइनस लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस। तो क्या हो जाएगा, लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस इज इक्वल टू माइनस टी एफ टी, क्योंकि ये लाप्लास इनवर्स लाप्लास इनवर्स और लाप्लास से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे टी एफ टी। तो लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस टी एफ टी। तो हमारे क्या हो गया, स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। अगर ऐसे हम लोग एन तक करेंगे तो हमारा लाप्लास इनवर्स एफ एन एस इज इक्वल टू एन तक जाएंगे तो भी क्या होगा, माइनस वन की पावर एन टी एफ टी, आ गया माइनस वन की पावर एन टी एफ टी, टी एन एफ टी, टी की पावर भी बढ़ती जाएगी और एफ टी में कोई चेंजेस नहीं होगा, ओके। अगर हम लोग यहाँ तक करेंगे तो हमारा ये ऐसे प्रूफ होगा, ओके। तो हम लोग वापस से समझते हैं, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या है, द स्टेटमेंट इफ द लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी एंड लाप्लास इनवर्स एफ डैश इज इक्वल टू माइनस टी एफ टी, ओके। फिर लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस को हम कैसे लिखते हैं, माइनस टी लाप्लास इनवर्स एफ एस, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट हो गया। प्रूफ कैसे किया, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, कौन सी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, वो प्रॉपर्टी लिख दी, दोनों तरफ लाप्लास इनवर्स ले लिया, फिर हमारा ये प्रूफ हो गया। अब आपको जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा, आपको एफ एस गिवन होगा, उससे पहले आपको एफ डैश एस निकालना होगा, फिर आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी होगी, ओके। तो इसके क्या, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। इसके लगभग जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको लॉग में, टेन में, ऐसे क्वेश्चन, ऐसी प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में यूज करनी है, जो लॉग इनवर्स में, टेन में, टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, ऐसे टाइप में लॉग में दे रखे हो, साइन में, इसमें, तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी है। एक दो एक क्वेश्चन करते हैं, एक दो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमें जो फॉलोइंग फंक्शन है उसका क्या करना है, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा है क्या करना है, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन है लॉग अंडर रूट वन प्लस नाइन अपॉन एस स्क्वायर। ऐसे आपको जो भी क्वेश्चन दे रखे हो लॉग में या उसमें, तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, एफ एस इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये चीज क्या होगी, एफ एस, क्योंकि हम किसका निकालते हैं, लाप्लास इनवर्स एफ एस का निकालते हैं, तो ये एफ एस के इज इक्वल में होगा। इसको लिख सकते हैं वन अपॉन नाइन अपॉन एस स्क्वायर की पावर हाफ। तो लॉग के ऊपर जब पावर ए की पावर एन होती है तो क्या हो जाता है, एन लॉग ए हो जाएगा, तो हमारी पावर क्या आ जाएगी आगे, तो लॉग वन प्लस नाइन अपॉन एस स्क्वायर, ओके। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन टू लॉग एलसीएम लेके, ओके।
अब हम इसको क्या लिख देंगे, ये a अपॉन b फॉर्म में बन गया, तो log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b, तो 1 बाय हाफ आगे log a अपॉन a माइनस log b। अब वापस से ये क्या बन गए, log a की पावर n, तो वापस इसको हम हाफ log s स्क्वायर प्लस 9, आप इसको मल्टीप्लाई करते थे अंदर, माइनस 2 इंटू हाफ log s, क्यों गया 2 इसके आगे आ गया, क्योंकि s स्क्वायर हो गया, वापस से हमने क्या कर दिया, a log s कर दिया, ठीक है, n log s कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, हाफ log s स्क्वायर प्लस 9 माइनस log x। अब हमें क्या करना है, ये तो f s आ गया, अब हमें क्या करना, फाइंड करना होगा f डैश s, तो f डैश s कैसे फाइंड करेंगे, f डैश s इज इक्वल टू हाफ, इसका क्या करेंगे, s के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2s, क्या होता है log x का क्या होता है 1 अपॉन x, तो ये 1 अपॉन x हो गया, फिर s स्क्वायर, इस कारण से इसका भी क्या हो गया 2s, यहाँ होगा माइनस 1 अपॉन s, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या बन गया s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 अपॉन s, तो ये हमारे पास क्या आ गया, f डैश आ गया, क्या आ गया, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 अपॉन s। अब हमें क्या चाहिए, लाप्लास, ये तो f डैश s आ गया हमारे पास, अब हमारे पास जो हमें क्या चाहिए, लाप्ला एफ टी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, लाप्लास इनवर्स एफ एस, तो हमारे पास जो लाप्लास इनवर्स एफ एस है वो निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमें क्या निकालना है इसमें, एफ एस निकाल दिया, अब हमारे पास क्या चाहिए, प्रॉपर्टी यूज करने के लिए हमारे पास लाप्लास इनवर्स एफ एस होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, तो लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1 अपॉन एस, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम इसको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, प्रॉपर्टी मेंशन कर देना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम इसको सेपरेट कर देंगे 1 अपॉन एस, ओके, तो अब हमारा इसका लाप्लास क्या होता है, लाप्लास एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 का और लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन एस का, इसका लाप्लास हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कॉस ए टी के बराबर, और ये हमारे क्या होता है 1 अपॉन एस का लाप्लास इनवर्स कितना होता है 1, तो हम लोग को जो पहले फॉर्मूले बताया आपको वो फॉर्मूले यूज करने, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस 3t माइनस 1, क्या आ गया हमारा कॉस 3t माइनस 1, तो हमारे पास लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस आ गया, ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी लेंगे, क्योंकि हमारे पास लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस आ गया, तो यूजिंग बाय डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, ओके, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस इज इक्वल टू टी एफ टी, क्या आएगा माइनस का टी एफ टी, क्या आएगा लाप्लास इनवर्स हमारा क्या होता है ये, तो हम लोग इधर लिखेंगे लाप्लास इनवर्स f डैश s इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे माइनस t लाप्लास इनवर्स f s, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे t को इसके मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें लाप्लास इनवर्स किसका f s का चाहिए, तो हम लोग लाप्लास इनवर्स f s इज इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस 1 अपॉन t लाप्लास इनवर्स f डैश s, ओके, माइनस 1 अपॉन t लाप्लास इनवर्स f डैश s, तो लाप्लास इनवर्स एफ डैश की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉस 3t माइनस 1, हम लोग माइनस 1 अपॉन टी कॉस 3t माइनस 1, ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा 1 अपॉन टी 1 माइनस कॉस 3t, तो हमारा किसका आ गया लाप्लास इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर का आ गया, ओके, किसका आ गया लाप्लास इनवर्स, देखो वापस से समझाती हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं हो, क्वेश्चन अच्छे से समझते हैं,
देखो ये सिंपल डेरिवेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगी, ये प्रॉपर्टी का आपके क्वेश्चन किस में, ये प्रॉपर्टी किस क्वेश्चन में यूज होगी, लॉग में, साइन इनवर्स में, टैन इनवर्स में, इसमें आप ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें लॉग अंडर रूट वन अपॉन प्लस नाइन एस स्क्वायर ये गिवन था, ठीक है। हमने एफ एस ये गिवन है क्योंकि हमें लाप्लास इनवर्स एफ एस निकाला, तो हमने एफ एस को इस फॉर्म में ओपन अप कर दिया। ये देखो लॉग, आप जानते हो कि आपने पढ़ा ही होगा लॉग एक्स की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एक्स, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर मैंने एलसीएम ले गया, लॉग ए अपॉन बी बन गया, तो क्या बना, लॉग ए माइनस लॉग बी टर्म में। तो लॉग ए माइनस लॉग बी टर्म में बनने के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो हाफ था उस हाफ का अंदर से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर लॉग एस स्क्वायर को सेम वापस उसी टर्म में लिखा, किस टर्म में, एन लॉग ए, एन लॉग ए टर्म में हमने इसको लिख दिया। फिर हमने क्या कर दिया, एफ डैश एस, मतलब इसका किसके, एस के विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन कर दिया। तो डिफरेंशिएशन आता है लॉग एक्स का, हमने डिफरेंशिएशन सिंपल कर दिया इसको। फिर करने के बाद हमारे पास एफ डैश एस आ गया। फिर हमें क्या कर दिया, हमने यहाँ पे आपको क्या प्रोसेस करना आगे, टेकिंग द लाप्लास इनवर्स, वो साइड आपको क्या कर देना है, लाप्लास इनवर्स फाइंड कर देना। तो आपके पास लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस आ गया। अब आपके पास जब ये आ जाता है तब आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ पे आपको एफ टी की जगह लिखना है लाप्लास इनवर्स एफ एस, क्या लिखना है, लाप्लास इनवर्स एफ एस। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाप्लास इनवर्स एफ एस। तो हम लोग को क्या चाहिए, लाप्लास इनवर्स एफ एस की वैल्यू चाहिए। इसमें आपने को नहीं बोला कि एफ डैश एस की वैल्यू चाहिए, आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसे नहीं बोला जाएगा कि एफ डैश एस की वैल्यू निकालो, आपको किसकी, जो क्वेश्चन में देखा उसकी वैल्यू निकालनी, तो आपको एफ एस की वैल्यू निकालनी है। तो आप लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस, ये एफ एस है लाप्लास इनवर्स, इसको यहीं रखो, माइनस टी को यहाँ इसके साथ डिवाइडेशन में भेज दो। तो ये डिवाइडेशन में आ गया, तो हमारे पास एफ डैश एस की वैल्यू थी लाप्लास इनवर्स, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ये हो गया। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको बस ये प्रोसेस ऐसे ही करना है, सारे क्वेश्चन है उसके अंदर प्रोसेस आपको ऐसी तरह से चलना है, तो आप आसानी से कर सकोगे। प्रोसेस में कुछ एफ एस निकालना है, बाद में एफ डैश एस निकालना है, फिर लाप्लास इनवर्स एफ डैश एस निकालना है, फिर इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे तो आपको लाप्लास इनवर्स एफ एस निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एफ एस गिवन है, आपको एफ डैश एस नहीं गिवन है। तो आपको ये माइनस टी को उसके नीचे डालना है, एफ डैश के नीचे, तो आपके पास लाप्लास इनवर्स एफ एस फाइंड हो जाएगा और ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब हम लोग ये प्रॉपर्टी, हमारी दो प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी और सेकंड हमने डेरिवेटिव प्रॉपर्टी। अभी एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, कौन सी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इंटीग्रल प्रॉपर्टी, हमने उसके अंदर तो इंटीग्रल प्रॉपर्टी लाप्लास इनवर्स के भी अंदर इंटीग्रल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब इसके अंदर हम इंटीग्रल प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। इंटीग्रल प्रॉपर्टी क्या है वो चीज समझते हैं। इफ द लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी, देन लाप्लास इनवर्स एस टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू इज इक्वल टू एफ टी बाई टी, एफ टी बाई टी। तो ये प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, हम कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, इंटीग्रल प्रॉपर्टी। इंटीग्रल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ द लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू एफ टी है एंड द लाप्लास इनवर्स एस, इंटीग्रल एस टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू इज इक्वल टू एफ टी बाई टी, क्या होगा हमारा, एफ टी बाई टी। देखो आप लोग जो भी क्वेश्चन, जैसे आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, जरूर नहीं है कि आपको अगर इस टाइप से क्वेश्चन आए तो इसके अंदर इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज होगी। जो आपको क्वेश्चन है अगर उसको सॉल्व करने के लिए अदर प्रॉपर्टी भी आपके यूज हो सकती है, मतलब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से भी आप उसका लाप्लास निकाल सकते हो। तो आपको जैसे वैल्यू फाइंड करनी होगी तो अदर प्रॉपर्टी भी उसके अंदर यूज हो सकती है। जो प्रॉपर्टी यूज करोगे उसको आपको क्या करना होगा, मैंशन करना होगा। तो ये क्या होगा हमारा, लाप्लास इनवर्स एस टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू इज इक्वल टू एफ टी बाई टी। तो इसका तो आपको पता चल जाएगा, अगर इंटीग्रल में दे रखा हो तो आपको पता है हमें इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगानी है। तो इसका प्रूफ समझते हैं, इसके प्रूफ के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इसके हम लोग यूज करेंगे डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। कौन सी, यूजिंग बाय डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी, कौन सी, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी क्या कहती है, एफ टी बाई टी इज इक्वल टू इंटीग्रल एस टू इनफिनिटी एफ एस डी एस।
ठीक है, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, सेम चीज टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, तो लाप्लास लाप्लास इनवर्स एफ टी बाय टी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस, यहाँ पे आपको एफ एस डी एस, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये एफ टी बाय टी इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एस टू एफ यू डी यू, ओके क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे एफ यू डी यू, आपको एस के क्या पुट कर देना होगा यहाँ पे यू लिख देना होगा, ओके तो हमारी जो प्रॉपर्टी होगी ये प्रूफ हो जाएगी। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था यहाँ पे डेरिवेटिव इंटीग्रल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट ये था, प्रूफ के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की, डिवाइडेड बाई टी प्रॉपर्टी ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की, उसकी प्रॉपर्टी हमने यूज़ की, दोनों तरफ हमने लाप्लास इनवर्स ले लिया, फिर लाप्लास से लाप्लास इनवर्स कैंसिल आउट हो गया और हमारा यहाँ पे एस के जगह आपको क्या पुट कर देना होगा यू को, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दे रखा होगा वो यू फॉर्म में दे रखा होगा, सॉल्व कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आपकी जो प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है ये यहाँ पे प्रूफ हो गया, तो हम इसका एक बेसिस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। जैसे आपको बोला हो कि आपको लिमिट दे रखी है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन दे रखा है एस टू इनफाइनाइट वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन डी यू। यहाँ पे यू क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे एस क्या है डमी फंक्शन है, इस कारण से हम लोग यहाँ पे यूजफुल यू अपन लेंगे, क्या है डमी वेरिएबल है इस कारण से हम क्या लेंगे यहाँ पे यू, एस की जगह क्या लेंगे यू में, तो आपको ध्यान रखना है कंफ्यूज नहीं होना है, इस कारण से हमने क्या लिया यू, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपको यू लिया हो तो। अब आपको यहाँ पे वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन डी यू, पर आपको पहले इसको किस पे करना होगा, आपको एफ एस फाइंड करना होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा एफ एस, क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले हम लोग एफ एस, एफ एस इज इक्वल टू वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि एफ एस फंक्शन के रूप में होता है, इसको हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस। अब हम क्या करेंगे इनका लाप्लास निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो एफ टी होता है वो क्या लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स एफ एस लिखते हैं, इसका आंसर हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे लाप्लास इनवर्स निकालेंगे, तो टेकिंग द बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, टेकिंग बोथ साइड लाप्लास इनवर्स, तो लाप्लास इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस वन अपॉन एस प्लस वन, ओके तो हमारी वापस लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज होगी लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस माइनस लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस प्लस वन, इसका क्या होगा हमारा वन, ये हमारी कौन सी बाय फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, एस प्लस ए हो गया तो हमारा क्या होगा ई की पावर माइनस एटी होता है तो ए हमारा वन हो गया, फिर वन अपॉन लाप्लास इनवर्स वन अपॉन एस, तो क्या यूजिंग है हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कौन सी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, ओके हमने क्या कर दिया इसको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व कर दिया, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी लाप्लास 1 अपॉन एस की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमारे पास ये क्या आ गया लाप्लास इनवर्स एफ एस आ गया। अब हम क्या करेंगे हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी इंटीग्रल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे इंटीग्रल प्रॉपर्टी, इंटीग्रल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या होता है एस टू इनफाइनाइट एफ यू डी यू इज इक्वल टू एफ टी बाय टी, एफ टी को क्या लिख सकते हैं लाप्लास इनवर्स एफ एस बाय टी, ओके ये चीज हम लोग लिख देंगे यहाँ पे, तो हम लोग जब ये चीज लिखेंगे तो हमारा एफ यू क्या आएगा ये ना, क्योंकि एफ एस लिखा तो ये सेम एफ यू ये होगा हमारा, तो एस टू इनफाइनाइट वन अपॉन यू माइनस वन अपॉन यू प्लस वन डी यू इज इक्वल टू लाप्लास इनवर्स एफ एस हमने यहाँ पे फाइंड किया क्या है वन माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टी, तो हमारे क्या हो गया प्रूफ हो गया, बहुत सिंपल है आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे कि एफ यू टर्म में दे रखा है तो उसको ही आपको क्या लिखना है पहले एफ एस टर्म में, फिर इसका क्या करना है आपको लाप्लास इनवर्स फाइंड कर देना है, तो आपके पास लाप्लास इनवर्स एफ एस आ जाएगा, फिर आपको इंटीग्रल प्रॉपर्टी लगानी है ये एफ यू, ये वाली जो इंटीग्रल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है ये लगाना है, एफ टी की जगह क्या लिखना है लाप्लास इनवर्स एफ एस, तो यहाँ पे हम लिख क्या देंगे लाप्लास इनवर्स एफ एस लिख देंगे, ओके तो हमारे पास क्या हो जाएगा लाप्लास इनवर्स एफ एस बाय टी, तो हमारा ये क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, ओके तो हमने क्या कर दिया हमने इस टाइप से इंटीग्रल डेरिवेटिव प्रॉपर्टी के एक दो क्वेश्चन प्रूफ किए हैं, एक दो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ आप खुद सॉल्व करना तब आपको समझ में आएगा, ओके तो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ लॉग एस प्लस वन
दो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, तो आपको खुद को सॉल्व करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा. ओके, कितने? दो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप खुद सॉल्व करना. क्या लिखना है? लॉग एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू, फाइंड द लाप्लास इनवर्स. ओके, किसका निकालना है? लॉग एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू का. इसको मैं बता देती हूँ, ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी? डेरिवेटिव प्रॉपर्टी. चुका ऐसे ही लाप्लास इनवर्स एस टू इनफाइनाइट लॉग u प्लस वन अपॉन u प्लस टू. ओके, तो आपको क्या करना होगा, ये दो क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है. पहला क्या करना है, लाप्लास इनवर्स s प्लस टू, सॉरी s प्लस टू होगा यहाँ पे, s प्लस टू किसका निकालना है? लाप्लास इनवर्स log s प्लस टू अपॉन s प्लस वन एंड लाप्लास इनवर्स s टू इनफाइनाइट log u प्लस टू अपॉन u प्लस वन du. ओके, ये आपका डेरिवेटिव प्रॉपर्टी से होगा, ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी से होगा. ओके, तो हमने आज क्या तीन प्रॉपर्टी डिस्कस की, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, डेरिवेटिव प्रॉपर्टी और इंटीग्रल प्रॉपर्टी. दो और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, मल्टीप्लाई बाय एस प्रॉपर्टी एंड डिवाइडेड बाय एस प्रॉपर्टी, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. आप जब तक इस क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करके सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए आप ये दो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके सॉल्व करना, तो आपको समझ में आएगा कि इसको हमें कैसे सॉल्व करना है. प्रोसेस सबका सेम रहेगा. थैंक यू.